दोस्तों, यदि आप एक एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं तो आप भी अपने फ़ोन के अंदर फ्लैश लाइट का इस्तेमाल ज़रूर करते रहेंगे। फ्लैश लाइट का इस्तेमाल सभी लोग करते हैं। जब आपको ज़रूरत पड़ता है अंधेरे में तो आप फ्लैश लाइट का इस्तेमाल करते ही है। यहाँ पर आपको आपके ही फ्लैश लाइट के कुछ ऐसे हिडन ट्रिक के बारे में बताने वाला हूँ जिसके बारे में आप लोगों को अभी तक नहीं पता है। और यदि आप इस ट्रिक के बारे में जान लेते हो, हिडन फीचर्स के बारे में जान लेते हो, तो आप खुद बोलोगे काश इस हिडन फीचर्स के बारे में मुझे पहले पता होता तो मैं अपने फ़ोन के अंदर इतना स्मार्ट बन सकता था। तो अगर आप भी चाहते हैं अपने फ्लैश लाइट के कुछ हिडन फीचर्स के बारे में जानना तो उसके लिए इस वीडियो को लाइक करके एंड तक कंटिन्यू देखते रहना है। वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत करना, नहीं तो यह सेटिंग्स आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वैसे तो नॉर्मली हम फ्लैश लाइट का इस्तेमाल सिर्फ अंधेरे में ही करते हैं। जब हमें फ्लैश लाइट की ज़रूरत होती है तब हम करते हैं, या तो फ़ोटो क्लिक करने के लिए हम फ्लैश लाइट का इस्तेमाल करते हैं। ये दो काम के लिए हम अक्सर फ्लैश लाइट का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर जो आपका फ्लैश लाइट है आपके फ़ोन के अंदर, अब यहाँ पर जैसे कि आपको क्या करना है, सिंपली अपने फ्लैश लाइट के ऊपर होल्ड करके रखना है। अब जैसे आप फ्लैश लाइट के ऊपर होल्ड करके रखोगे तो यहाँ पर आपको इसका जो पावर होता है, जो ब्राइटनेस होता है, वो यहाँ पर आप प्लस कर सकते हो, यानी कि बढ़ा सकते हो। अब जैसे कि यहाँ पर अभी यदि आप अभी ऑन करते हो फ्लैश लाइट को तो यहाँ पर स्लो जल रहा है, लेकिन यहाँ से आप अभी यहाँ पर प्लस करेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, हाई हो जाता है। अगर यहाँ पे माइनस करेंगे स्लो हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते ज़्यादा हुआ, यहाँ पर कम हो गया, ज़्यादा हुआ। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर अपने फ्लैश लाइट के पावर को इंक्रीज़ कर सकते हो। यानी कि जब भी आप अंधेरे में फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करते हो या अंधेरे में आप कहीं पर जा रहे हो तो जब भी आप फ्लैश लाइट जलाओगे आपको एकदम क्लियर और क्लीन दिखेगा। तो इस प्रकार से आप ये सेटिंग को यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी लोग इस ट्रिक के बारे में भी नहीं जानते थे कि वह अपने फ्लैश लाइट के पावर को भी बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार आप लोग इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर सेकेंड नंबर का जो सेटिंग है उसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, अपने ही फ्लैश लाइट के अंदर आप फोटोज़, वीडियोज़, पर्सनल डॉक्यूमेंट को हाइड कर सकते हैं। अब जैसे कि नॉर्मली आपको जब भी फ्लैश लाइट ओपन करना रहता है तो आप यहाँ पर जाकर के नोटिफिकेशन में जाकर के बार बार यहां पर फ्लैश लाइट को ऑन करते हो। अब आपको ऐसे नहीं करना है, सिंपली यहां पर आपको हम एक एप्लीकेशन के बारे में बता रहे हैं, सिर्फ एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपका जो फ्लैश लाइट होता है वो यहां पर ऑन हो जाता है। यहां पर हम परमिशन दे देते हैं। परमिशन देने के बाद यहां से आपको बैक कर लेना है। बैक करने के बाद अब जब भी आप अपने फ्लैश लाइट को ओपन करेंगे यहां से सिंपली इस प्रकार से ऑन करेंगे, जिस प्रकार से आपका यहां पर ऑन होता है उसी प्रकार से यहां पर ऑन ऑफ कर सकते हैं। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं जितनी बार भी आप ऑफ ऑन करना चाहो यहां पर ऑफ ऑन इस प्रकार से कर सकते हैं यहां पर। लेकिन इसी के अंदर आप फोटोज को, वीडियोस को भी हाइड कर सकते हैं। ये काफी इंटरेस्टिंग है। तो यहां पर उसके लिए आपको सिंपली यहां पर होल्ड करके रखना है। अब जैसे यहां पर आपने होल्ड करके रखा, होल्ड करने के बाद आप यहां पर 4 डिजिट का पासवर्ड सेट करने के लिए बोलेगा तो आपको पासवर्ड सेट कर लेना है। तो हम यहां पर सिंपली पासवर्ड को सेट कर लेते हैं, उसके बाद कंफर्म पासवर्ड भी हम यहीं पर कर लेते हैं। करने के बाद अब आपके फोन के अंदर इस प्रकार से ऑप्शन आ जाता है कि आप क्या हाइड करना चाहते हैं, फोटोज, वीडियोस, ऑडियो, नोट्स, जो भी आपको हाइड करना है आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। हम फोटोज कर लेते हैं एग्जांपल के लिए यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको फोल्डर क्रिएट करना तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये इस पे करते हैं, जैसे कि मान लो हम यहाँ पर ये वाली फोटोज को यहाँ पर हाइड कर लेते हैं। यहाँ पर ये दो फोटोज को हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर ऑल भी कर सकते हैं। उसके बाद हम इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमारे फ़ोन के अंदर देख सकते हो यहाँ पर 5 फोटोज़ क्या हो गया है, हाइड हो गया है। यहाँ पर हमने एक ही क्लिक में 5 फोटोज़ को हाइड कर लिया है। अब यहाँ से यदि आप बैक करते हैं, यहाँ पर आपका एल्बम जो क्रिएट किए रहेंगे वो एल्बम भी आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम होम करते हैं। होम करने के बाद हम सिंपली एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। एप्लीकेशन कुछ इसी प्रकार से ओपन होगा, ना कुछ एडवर्टाइजिंग आएगा, ना कुछ आपको किसी को पता भी नहीं चलेगा। यहाँ पर ऑन करिए फ्लैश लाइट, यहाँ पर ऑन करिए, यहाँ पर ऑफ करिए, ऑफ ऑन करिए, ऑफ करिए, ऑन करिए, ऑफ करिए, इस प्रकार से आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब आपको फोटोज़ देखना है जो आपने हाइड किया है, सिंपली यहाँ पर जो फ्लैश लाइट लिखा है उसके ऊपर होल्ड करके रखिए और यहाँ पर अपना पासवर्ड डालिए, आपका हिडन फीचर्स यहाँ पर ओपन हो जाएगा। पर आपका हिडन फीचर्स जो है आपके सामने ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पर आप जैसे जो आपने फोटो हाइड किया हुआ है आपका फोटोज़ भी यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इस प्रकार से आप लोग इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने फोटोज़ को भी हाइड कर सकते हैं और अपने फ्लैश लाइट को भी बढ़ा सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।